सो इन मॉड्यूल and gentlemen, we are talking about अबाउट इन द cross कल्चर business वर्ल्ड क्रॉस कल्चर change. देखें एक सोसाइटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चेंज होती हैं अगर मैं एग्जाम्पल दूँ लाहौर की इसको लाहौर को आप एथनिक कल्चर कह सकते हैं किसी एक जुबान का शहर कहेंगे नहीं इसमें सराइकी बोलने वाले गुजराती बोलने वाले हिंद को बोलने वाले पश बोलने वाले इसी तरीके से आप पिशावर चले जाएँ क्या वो एक ही कल्चर बन रह गया या बाकी कल्चर्स में चले जाएं। सो मेन एरियाज़ भी बिजनेस होता है तो वो आमतौर नहीं रह जाता। एथनिकली वन। अच्छा कुछ जात जाताली जगह अच्छा उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं अब एक बात देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वैक्सिंग कंडक्ट बिजनेस क्रॉस द कल्चर

तो यही कल्चर आज भी सऊदी के अंदर अगर आपने कल्चर जाना है तो मैंने वहाँ देखा कि बलोच जो है वहाँ पर है और नसल दर नसल बलोच जो रहते हैं वो तकरीबन बदुओं जैसे उनके सऊदी कल्चर के अंदर ढल चुके हैं इसी तरीके से मसरी जो है वो उनके कल्चर में ढल चुके हैं लेकिन पकड़े भी जाते हैं लेकिन वहां पर क्लियर डिवीजन आ जाती है कि ये मसरी हैं तो इनका अलग है फिर अरबी और आजमी, हाजलाज अरब हाजलाजम अच्छा ये बड़ी तेजी से पकड़ते हैं आपके लिंग अगर आप अरबी अच्छे भी बोल रहे हैं तो पकड़े भी जाएंगे लेकिन उसके बावजूद उनको पता चल जाएगा कौन हमारा नस्ली यहाँ का है लेकिन कई ऐसे हैं जो बलोच नस्ल दर नस्ल है वो बिजनेस में यानी ट्रकर्स में ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा बलोच है आप पकड़ ही नहीं सकते कि व सऊदीज हैं या नहीं है so, सो दूसरा जो है वो है एप्सोलूटम यानी दैट द होम कंट्रीज वैल्यू मस्ट बी अप्लाइड एवरीवेयर एज दे आर एट होम सो होम कंट्रीज वैल्यूज मस्ट बी अप्लाइड अच्छा एक तो ये कि जैसा देश हो वैसा उनका भेष बदल ले यानी अपना कल्चर अपनी वैल्यूज अपने एटीट्यूड्स को तब्दील कर ले दूसरा ये कहता है कि क्रॉस कल्चर के अंदर दूसरा तरीका कार बिजनेस करने का ये है कि मैं अपने एटीट्यूड अपने ब्रांड अपने कल्चर मैं पाकिस्तानी मेरा मुतम मुतमल पाकिस्तानी अगर मैं ये खोल दूं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा तो मैं अपनी आइडिया अपनी आइडियोलॉजी अपने नज़रियात अपने कल्चर और उनके कल्चर में अपनी चीज़ को बेच रहा हूँ so, सो ये दो मैंने आपको एक्सट्रीम्स बता दी सो क्रॉस कल्चर के दो तरीका कार हैं बिजनेस करने बोथ आर फाइन बट एक आइडिया के मुताबिक कहा जाता है कि आपकी जो नई इक्कीसवीं सदी के अंदर ट्रेंड्स ये हैं कि लोग क्रॉस कल्चर चीज़ों को उनके अपने बिहेवियर्स के साथ पसंद करते हैं जैसे मैं अक्सर जाऊँ तो मैं देखता हूँ कि मुख्तलि कल्चर्स की चीजों को हम अडोप्ट करें और उनको देखें और हमें वहां पर वो ऐसी चीज़ें मिलें तो अच्छा लगता है सो दिस इज हाउ इट वर्क अ वेल ओन वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक ब्राइबरी फार्मूला कैलकुलेशन करप्शन एज वो बात करते हैं उसके अंदर एथिक्स इन क्रॉस कल्चर बिजनेस के अंदर कि ये ब्राइबरी फॉर्मुलेशन और कैलकुलेशन कैसे होते हैं यानी करप्शन वन ओवर फोर्थ मोनापली अच्छा उसका डिस्क्रीप्शन जो है वो अकाउंटेबिलिटी से लेते हैं ये मुख्तलिफ कल्चर्स की हैं अच्छा अगर हम इसी के अंदर देखें कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को अगर हम देख लें तो क्रॉस कल्चर में क्या निकलेगा 180 एटी कंट्रीज को जो देखें तो द दीपीआई स्कोर्स एटी कंट्रीज एंड द टेरिटरीज बाई देयर प्रसिड वैल्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल द दीपीआई अ स्केल फ्रॉम जीरो क्लीन एंड जीरो सो मोर देन टू थर्ड ऑफ द कंट्री स्कोर बिलो फिफ्टी ओवर हंड्रेड एंड द एवरेज कंट्री स्कोर फोर्टी थ्री ओवर हंड्रेड सो अगर हम इसमें इंडेक्स के अंदर देखें तो करप्शन कैसे होते हैं क्रॉस कल्चर में मैंने आपको जैसे बताया मसरी बेईमानी करेगा ये आम सऊदी के अंदर जुबान है मसरी हाजल मसरी अच्छा जहां पर देखेंगे जुबान की तुर्सी होगी तेजी होगी चलाकी होगी बेईमानी होगी तो ये उनके ऊपर लगा देंगे अच्छा कौन सी नेशनैलिटी बेईमानी नहीं करेगी अच्छा कौन सी नेशनैलिटी एथिक्स को ख्याल रखेगी मैं सादा ताज़ा ताज़ा गया गिलगित बल्तिस्तान कहा कि वहाँ कोई चीज़ रख दें तो आपके जो है वहीं पड़ी रहेगी और आपकी चीज़ें चोरी नहीं होंगी यहाँ पर चोरी का कल्चर नहीं है। अच्छा कल्चर फिर इसके बाद देखते हैं कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी कंपनीज में देखा जाता है कहाँ कौन से रीजन के लोगों को सिक्योरिटी पे हायर करना चाहिए क्योंकि वो आपके साथ वफादारी करेंगे सो इसी तरीके से करप्शन के स्कोर को अगर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पर होते हैं इवन आप हैरान होंगे कि काबातुल्ला के अंदर कुछ नेशनलिटीज को माना जाता है कि वो तवाफ के दौरान भी आपकी जेब काट लेते हैं जब ऐसी कोई बात होगी तो आप यहां देख लें कि चंद डेडिकेटेड कंट्रीज हैं जिनको कहा जाता है कि ये लोग ऐसा काम जरूर करेंगे जैसे मलेशिया के अंदर देखें तो एक बैच के अंदर जा रहे होते हैं आपके इंडोनेशिया में देखें बैच के अंदर जा रहे होते हैं सो so, यहाँ पर ऐसे कल्चर्स हम देख सकते हैं लेकिन न्यूजीलैंड के अगर हम करप्शन के इंडेक्स और परसेप्शन इंडेक्स को देखें न्यूजीलैंड 88, सिंगापुर 85, ऑस्ट्रेलिया 77, हांगकांग 77, कंबोडिया 21, अफगानिस्तान 19, कोर नॉर्थ कोरिया 80. सो दिस इज हाउ द परसीव वैल्यू ऑफ करप्शन एज पर एंड डिजाइन अंडर द आइडिया ऑफ क्रॉस कल्चर बिजनेस आइडियोलॉजी सो हमने एथिक्स को भी देखा हमने बिजनेसेस को भी देखा या तो हम उनके ढंग में रंग जाएँ उनके रंग में रंग जाएँ या फिर हम अपने रंग को जस्टिफाई करें बड़ी खूबसूरत बात जैसे मैंने आपको बताई कि पता चलता है कि मलेशियन बैच में चल रहे हैं इंडोनेशियन बैच में चल रहे हैं ना घूमेंगे ना हटेंगे ना एकोसिस्टम को ख़राब करेंगे ना नॉइस पोल्यूशन करेंगे और आएंगे और चले तो इस तरह का अगर हम सिस्टम बनाएं तो हम अपने मुख्तल आइडियाज़ को पूरी दुनिया में प्रेजेंटेबल कर सकते हैं हम पहचाने जा सकते हैं कि दी इफ द ट्रस्ट वर्दी पीपल बिलोंग्स टू पाकिस्तान तो एक वक्त आएगा कि हमारी ट्रेड्स भी ऐसे होंगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे होंगे थैंक यू वेरी मच